माफिया मुख्तार अंसारी की भाई अफजाल अंसारी अब जेल से बाहर आ सकते हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर कोई फैसला नहीं दिया है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसद की कुर्सी चली गई थी और वो जेल में बंद थे। अंसारी जो गाजीपुर के सांसद थे, उनको वहाँ की ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर केस में 4 साल का कन्विक्शन सुनाया था। 4 साल का कन्विक्शन का मतलब कि उनकी सांसदी चली जाएगी। ये गैंगस्टर पे था और गैंगस्टर पे एक ही केस जो मूल था, वो उस केस पे इनको एक्विटल मिल गया था। होपफुली जब अगर एक ही केस है, एक्विटल हो जाता है, तो लॉ ये कहता है कि टू प्रोसीड द ट्रायल बहुत डिफिकल्ट होता है। बट इनका ट्रायल भी चला और 6 मंथ के अंदर इनको कन्विक्शन भी हो गया 4 साल का। आज ये खुशी की बात है कि हम लोगों ने बेल लगभग 2 महीने बाद हमको 4 साल के कन्विक्शन में हाईकोर्ट ने बेल दे दिया। कन्विक्शन पे जहाँ तक प्रश्न है, कन्विक्शन पे स्टे नहीं हुआ है, जिसको हम लोग उच्चतम न्यायालय में चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और होपफुली हम लोग वहां से सक्सेस। अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके सजा को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद अफजाल अंसारी जेल से छूट जाएंगे। अफजाल अंसारी अब सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अर्जी दाखिल करेंगे।